उत्तर प्रदेश के बरेली लखीमपुर खीरी जनपद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के पुत्र आशीष मिश्र ने अपने 3 गाड़ियों से 10 से 15 लोगों के द्वारा किसानों को कुचलकर मार दिया गया, जिससे 4 किसान व 1 पत्रकार की मृत्यु हो गई व 10 से 15 लोग घायल हो गए। इस घटना के कारण उत्तर प्रदेश के किसान व सिख समाज में काफी रोष व्याप्त है। गृह राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए और इनके पुत्र आशीष को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और अन्य दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि इन दोषियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी सामने आ चुका है, जिससे कि आपके प्रति किसानों सिख समाज में आपके प्रति विश्वास पैदा हो। हम लोग आज यहाँ पर 3 तारीख को जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है, मंत्री के पुत्र आशीष ने जो किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर 4-5 किसानों को मार दिया, वो घायल करा है, उस विषय पे आज हम प्रधानमंत्री के लिए ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और उसमें हम लोगों का कहना यही है कि मंत्री को बर्खास्त करें प्रधानमंत्री जी, और उनके पुत्र आशीष को तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि इनकी सारी वीडियो आ गई हैं, इनका सारा अपराध बिल्कुल सामने क्लियर हो चुका है और ये लोग पुराने अपराधी हैं। इनका इतिहास पुराने अपराधियों का भी निकल आया, पुलिस ने सारी इनकी वो पुरानी निकाल ली है हिस्ट्री। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। ये एक सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित मिश्रा, अजय मिश्रा के बेटे ने, अमित मिश्रा ने जो सुनियोजित तरीके से काफिले के साथ किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर जघन्य हत्या जो की गई है, इसको ये कोई हादसा कहने का लोग जो प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसका हम सख्त विरोध भी करते हैं। ये एक हत्या है सुनियोजित तरीके से, और इसके अगर परिणाम हमारे देश की सरकार ने मंत्री को तुरंत बर्खास्त नहीं किया और अमित मिश्रा को, जो प्रधानमंत्री जी के बेटा होने की वजह से बचा हुआ है, उसको अगर तुरंत गिरफ्तार करके उसको जेल में नहीं डाला गया, तो सिख समाज में आक्रोश है और आने वाले समय में इसके परिणाम वर्तमान सरकार को भुगतने होंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।